नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा और जहां तक आशा है कि आप रात दिन एक करके मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि 2024 में हम बार बार कह रहे हैं कि गायब हो जाइए और 25 में एक नया अवतार लेकर के वापस आइए। तो इस वीडियो में हम टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेक्नीशियन के सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। और बहुत हमारे भाइयों का कमेंट था कि टेक्नीशियन के सिलेबस एक बार अच्छे से बता दीजिए ताकि पता चल जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है तो जानना जरूरी ही है, साथ में ये भी जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीजें बताएंगे वो जेन्युइन बताएंगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप देखेंगे कि टेक्नीशियन के सिलेबस में टेक्नीशियन ही नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से बेहतर भी है, क्योंकि जो चीजें अभी पढ़ना है वो पहले भी पढ़ना होता था और टेक्नीशियन हटा दिया गया जो कि पहले पढ़ना होता था, तो कहीं ना कहीं सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो बेहतर ही है। कम पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो बाकी वो लोग ट्रेनिंग अपना देते ही है। टेक्नीशियन आप पढ़ के जाइएगा तब भी वहां ट्रेनिंग देंगे, नहीं भी पढ़ के जाइएगा तब भी ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीजों को समझते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले एएलपी और टेक्नीशियन सेम एग्जाम होता था, अब टेक्नीशियन अलग हो गया है, एएलपी अलग हो गया है। तो चीजों को बारीकी से समझेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। और जितना बड़ा हमारा जो परिवार है, द राहुल राज चैनल का, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल का, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है, और इन सारी चीजों के पीछे बहुत सारे लोगों का काम होता है, बहुत सारा मेहनत होता है, तो ये करने के लिए हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है, जैसे आपको चाहिए होता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए, दिखाते हैं हम आपको करना क्या है इसमें। तो देखे होंगे कि कंप्लीट सिलेबस देख लो, सब कुछ बदल गया है। तो हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट सिलेबस का बात करेंगे यहाँ पे। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमें पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो हम बात कर रहे हैं आपका टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल का, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल में क्या है, टोटल टाइम है आपका 90 मिनट का, टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 गो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 1/3 रहेगा, बाकी आपका जो नॉर्मल पासिंग होगा वो 40%, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बस कहने और दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा जो, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लोगों का था कि हिंदी में अलग सिलेबस है और इंग्लिश में अलग है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने लगाया है, दोनों में सेम है। कुल अवधि 90 मिनट, कुल प्रश्न 100, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 काटे जाएंगे, बाकी आपका वही 40%, 30%, तो ऐसा होता नहीं है, बस पासिंग के लिए दिखावे के लिए होता है, क्योंकि इतना ना ज्यादा लड़के पढ़ रहे हैं कि अब वो संभव नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो टेक्नीशियन इसका, इसमें हम किसका बात कर रहे हैं, आपको अभी हमने यहाँ दिखाया टेक्नीशियन ग्रेड वन वाला, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड वन का सिलेबस क्या क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहाँ पे बात को समझिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका 10 क्वेश्चन आ रहा है। जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग 15 क्वेश्चन आ रहा है, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन जो है ये आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है। मैथ जो है आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, और बेसिक इंजीनियरिंग और ड्राइंग जो है आपका 35 क्वेश्चन है। सेम आप देखेंगे कि हिंदी में भी है, सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि और तर्क 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन, मैथ से आपका 20, और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और बेसिक साइंस से 35 क्वेश्चन है। तो आप देख पाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। तो यहां से आप देखेंगे कि सीबीटी 1 केवल होगा और आपका इसमें क्वालिफाई होता है, तो सीधा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर इसको देखा जाए तो कुछ बदलाव भी अच्छे होते हैं, और ये बदलाव हमारे तरफ से अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हमको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डूइंग, एएलपी के लिए जब साथ में होता था तब भी पढ़ना होता था और अभी पढ़ना है, लेकिन इसमें एक और चीज पढ़ना होता था टेक्निकल, जो कि साफ हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव बढ़िया है। टेक्निकल का आपका टेंशन खत्म हो गया है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हम ग्रेड वन और ग्रेड थ्री जो आया है वो दोनों में डाल सकते हैं, तो नहीं, आप दो अलग अलग फॉर्म नहीं डालेंगे, एक ही फॉर्म डालेंगे, उसी में टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आगे आ जाइए तो इसका टॉपिक का नाम यहाँ पे लगाया हुआ है कि सामान्य जागरूकता में कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, तो वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति, भारत के इतिहास ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल है।
रीजनिंग से आपका उपमाएं, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, वही रीजनिंग का टॉपिक है। कंप्यूटर से आपके जो बेसिक कंप्यूटर होता है वहां से क्वेश्चन आएंगे। इसको पढ़ने के लिए हम 400 क्वेश्चन, करीब 400 से 500 क्वेश्चन हम तैयार करवा रहे हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ हम देंगे। अगर उतना पढ़ लेते हैं तो 99% आशा है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे आएंगे तो गणित है आपका, तो गणित तो हम पढ़ा ही रहे हैं इसी चैनल पे, द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे, डेली 8 बजे से चल रहा है। आप 2024 में कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे उस क्लास को ज्वाइन कीजिए लाइव सेशन में, और मस्ती के साथ पढ़िए। और 100% गारंटी दे रहे हैं कि वैसा कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं अभी YouTube पे फ्री में, वैसा किसी के पैड कोर्स में नहीं मिलेगा, इस बात की 500 गारंटी, 500% की गारंटी है। अगर किसी के पैड कोर्स में वैसा मिल जाए ना तो लाके दिखा दीजिएगा कि हाँ सर आपने क्या बोला था। लोग यहाँ पे पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिस बैच लॉन्च करते हैं और फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, तो दो कोर्स लीजिएगा तब भी उतना नहीं मिलेगा और उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होगा। तो इसलिए मैथ के लिए पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग के लिए मैथ हम इसी चैनल पे, द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे, डेली 8 बजे रात को मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रहा है। रीजनिंग का आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे क्लास चल रहा है डेली 10 बजे से, तो ज्वाइन कीजिए और मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस को पढ़ना है, जो थोड़ा ध्यान देकर के पढ़िएगा क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन इससे आ रहा है। अगर इसके बाद आगे चले हम तो इंग्लिश में भी आपका टॉपिक वाइज लगाया हुआ है, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। तो इंग्लिश का टॉपिक लगाया हुआ है, जो इनको इंग्लिश से मतलब वो यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी वाले वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे तो लेवल 2 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसका बात कर ले तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी 90 मिनट है हमारा, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो सिलेबस जो है हमारा मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, पहले भी आता था, तो बात को ध्यान से समझ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत रोना पड़ेगा अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम बार बार बता रहे हैं। देखोगे यहाँ से मेन चीज जो है तुम्हारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, हम सारा टेंशन खत्म कर दिए हैं, पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ये जो मैथमेटिक्स है बार बार बता रहे हैं रात में 8 बजे द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे, और रीजनिंग जो है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे, मस्ती के साथ पढ़ो और सिलेक्शन ले लो। बाकी जनरल साइंस बढ़िया से पढ़ो और जीके जीएस पे कम टाइम देना क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है। आगे देखो क्योंकि इसी में सीट ज्यादा है और इसी का फॉर्म तुम डालोगे, ये भी हम जान रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म डाल पाएंगे क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन हाई है, तो इसीलिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही ज्यादा लोग रहेंगे और ज्यादा सीट उसी में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी में भी वही सेम चीज है, 90 मिनट है, कुल प्रश्न 100 रहेगा, आपका गणित से क्वेश्चन आएगा, समान रीजनिंग से आएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि समान बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग रखा गया है और समान जागरूकता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंक शास्त्र जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि एवं तर्क 25 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब प्रश्न उठता ये है, बात को समझिएगा, प्रश्न उठता ये है, सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा अभी फिलहाल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला अगर सिलेबस देखेंगे आप यहाँ से तो इंग्लिश में देखेंगे कि यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 है, जनरल साइंस आपका 40 है और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन है। समस्या क्या है पता है? जो कंफ्यूजन, घोर कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है वो यहाँ पे क्रिएट हो रखा है कि यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया है, सिलेबस बनाने वाले इतने पेमेंट लेकर के हमारे टाइपिस्ट जो है वो क्या किए हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने लिखा है जनरल साइंस, बात को ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। और ये क्या किए हैं हमारे ज्ञाता लोग कि यहाँ पे जब हिंदी में टाइप कर रहे थे तो यहाँ पे हिंदी में ये लोग टाइप किए हैं सामान्य बुनियादी और इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सामान्य बुनियादी और इंजीनियरिंग को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं घबराना है कि आपको जो सत्य होता है साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा होता है कि जो इंग्लिश वाला है वही मान्य होता है, तो इंग्लिश वाला पे फोकस करके चलिए। बाकी आप एएलपी के लिए तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ ही रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरल साइंस पे आपको बढ़िया से टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर 99% केस में साफ साफ स्टेटमेंट होता है कि जो इंग्लिश में रिटेन है वही मान्य होगा, तो इंग्लिश में जनरल साइंस इन्होंने लिखा है हर जगह पे, तो इसीलिए जनरल साइंस आप अच्छे से पढ़िएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे भी इन्होंने हिंदी में भी जनरल साइंस ही लिखा है
और यहाँ पे भी इंग्लिश में भी इन्होंने जनरल साइंस ही लिखा है, और वहां सिलेबस में भी जनरल साइंस ही लिखा हुआ है साफ साफ। एक जगह केवल हिंदी में इन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी डाल दिया है, सामान्य बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, तो उसको पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। एएलपी के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे बार बार बता रहे हैं कि एएलपी के लिए 1 घंटा उसको पढ़ना है अभी से ही, तो उसको पढ़ते रहिए, उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसलिए तैयारी जम के कीजिए, और 2024 अभी भी आपके पास 9 महीना है, 9 महीने के लिए गायब हो जाइए, 2025 में एक नया अवतार लेकर के बाहर आइए, सब कोई देखेगा और सब कोई आपका प्रशंसा करेगा, ठीक है? क्योंकि नया अवतार को सब कोई मानता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और इसी चैनल पे द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे डेली रात को 8 बजे से मैथ का क्लास चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।